दोस्तों, द न्यूज वीक के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। पांच सौ महारों के आत्म सम्मान के महासंग्राम पर द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव जैसी ऐतिहासिक फिल्म बना रहे निर्माता निर्देशक रमेश थेटे ने एक और बड़ा कदम उठाया है। रमेश थेटे फिल्म्स की ओर से अब OTT प्लेटफॉर्म पर इक्वेलिटी न्यूज नाम से डिजिटल न्यूज चैनल और इक्वेलिटी सिनेमा को लॉन्च करने का ऐलान किया गया है। Amazon और Netflix की तर्ज पर इस OTT प्लेटफॉर्म पर बहुजन समाज से जुड़ी खबरें, फिल्म, वेब सीरीज, म्यूजिक एल्बम और डॉक्यूमेंट्री वगैरह आपको एक ही ऐप में मिलेंगी। इक्वेलिटी न्यूज ये डिजिटल चैनल होगा, नेशनल लेवल का डिजिटल न्यूज चैनल होगा ये, और इसकी पहुंच पूरे देश में होगी और काम करने का जो तरीका होगा वो नीचे से लेकर ऊपर तक का होगा। वो जमीनी स्तर पर क्या क्या हो रहा है उसकी जानकारी देगा। कोई अन्याय, अत्याचार या अन्य भी समस्या है, कोई सरकारी ऐसी बात हो, उसकी पूरी जानकारी वो हेडक्वार्टर को देगा और वो न्यूज चैनल पर वो सारी बातें आएंगी। जो एक बड़ा स्ट्रक्चर जो हम खड़ा करना चाहते हैं वो है OTT प्लेटफॉर्म। OTT प्लेटफॉर्म यानी कि एक ऐप है। ऐप जैसे आप दूसरी कंपनियां देखते हैं, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम वीडियो है, Zee5 है, इस तरह के जो OTT प्लेटफॉर्म्स है, इन प्लेटफॉर्म्स पर जो आप कंटेंट देखते हैं उसी तरह का, लेकिन अंबेडकर राइट, अंबेडकरवादी, बहुजनवादी कंटेंट है हम इसमें डालना चाहते हैं। क्या क्या होगा इसमें? फिल्में होंगी, मतलब बड़ी फिल्में भी और छोटी फिल्में भी, वेब सीरीज, म्यूजिक वीडियोस, जो बाबा साहब बुद्ध भीम गीत और जो आंदोलन को दिशा देने वाले गीत, बहुत कलाकार है हमारे समाज में, तो ये म्यूजिक वीडियोस हो गए। रियलिटी शोज में कॉमेडी शोज भी हैं, उसमें फूर्ता नहीं होगी, एक शुद्ध मनोरंजन हमारे लोगों का। और इसके साथ साथ मोटिवेशनल स्पीचेस, बड़े लोग हैं हमारे समाज में भी, दिशा दे सकते हैं, उनके भाषण सुनिए आप, वो क्या कहते हो सुनिए, बाबा साहब का जो दर्शन है, बाबा साहब की जो फिलॉसफी है, वो ध्यान में रखते हुए ऐसे मोटिवेशनल स्पीचेस हम इस OTT प्लेटफॉर्म लाना चाहते हैं। ये OTT प्लेटफॉर्म आने वाले 14 अक्टूबर से लॉन्च करने की हमारी तैयारी है और इस OTT प्लेटफॉर्म का एक बड़ा हिस्सा होगा इक्वेलिटी न्यूज चैनल। ये इसी प्लेटफॉर्म पे यानी कि इस ऐप पे आप इस चैनल को देखेंगे और इस चैनल के माध्यम से ये इतना बड़ा संदेश, बाबा साहब का जो संदेश है और परिवर्तनवादी जो विचार है, ये विचार इस पूरी व्यवस्था के माध्यम से हम लागू करना चाहते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर जो व्यक्ति अपॉइंटेड है उसको हम कह रहे हैं कि न्यूज रिपोर्टर एंड कोऑर्डिनेटर, न्यूज रिपोर्टिंग का काम करेगा वो, और साथ साथ कोऑर्डिनेशन मतलब हमारे लोगों के साथ जो है उसका संबंध हो, रिलेशन हो, रिलेशनशिप डेवलप हो जाए, एक एक परिवार का वो ध्यान रखे, इसके लिए कोऑर्डिनेशन। रमेश थेटे फिल्म्स की ओर से इस OTT प्लेटफॉर्म के लिए वैकेंसी भी निकाली गई है। पंचायत, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर न्यूज रिपोर्टर कम कोऑर्डिनेटर के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। यानी आपके पास OTT प्लेटफॉर्म से जुड़ने और मीडिया में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। खुद रमेश थेटे से सुनिए कैसे आप OTT प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। 3 लाख पंचायतें या शहर के वार्ड अगर हम ध्यान में रखते हैं तो 3 लाख की ये संख्या है, तो इन 3 लाख स्थानों पर जिसमें ग्राम पंचायत और हमारे शहरी वार्ड, ब्लॉक्स, डिस्ट्रिक्ट, यहां जो है हम अपना आदमी नियुक्त करना चाहते हैं इन लोगों की सेवा करने के लिए। कंपनी की तरफ से इन 3 लाख जगहों पे एक व्यक्ति की नियुक्ति हम करना चाहते हैं, डायरेक्टली वो हमारा पेड वर्कर होगा, आपका पेड वर्कर होगा, मतलब हमारा बोले तो आपका, मैं लोगों की बात कर रहा हूं, हमारे लोगों की बात कर रहा हूं, बहुजन समाज के लोगों की बात कर रहा हूं। तो ये व्यक्ति जो है
हमारे लोगों की सेवा में, उनकी मदद करने में, उनको संकट के समय पूरा सपोर्ट देने में ये लगा रहेगा। अब ये जो लोग हैं जिनको हम नियुक्त करना चाहते हैं वो कैसे हो? पहली बात, बाबा साहब के विचार को मानने वाले लोग, बहुजनवादी विचार को मानने वाले लोग, ओबीसी, एससी, एसटी, ये जो कैटेगरीज है ये बहुजन समाज कहलाता है। ओबीसी में मुस्लिम समाज के भी लोग हैं जो ओबीसी हैं। मैं इस विभाग का सेक्रेटरी था इसलिए मुझे मालूम है। तो ओबीसी, एससी, एसटी, बहुजन, बहुजन समाज का व्यक्ति होना चाहिए वो, और न्यूनतम 10वीं पास होना चाहिए, उसको सामाजिक कार्य करने का अनुभव होना चाहिए उसके पास में, या पत्रकारिता का अगर अनुभव है तो बहुत अच्छी बात है वो हो, अगर ना भी हो तो हम उसको ट्रेन करेंगे। और किसी क्रिमिनल एक्ट में, मतलब अपराधी प्रवृत्ति का ना हो। ये दो चार बातें हैं। अगर इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो लोग हमारे पास में आवेदन करेंगे, मैं बताऊंगा आपको आवेदन कैसे करना है, आवेदन करेंगे तो उनका सिलेक्शन हम करेंगे और बेस्ट व्यक्ति का सिलेक्शन होगा। यदि एक ग्राम पंचायत से या शहरी क्षेत्र के वार्ड से या जिला स्तर पर यदि कोई आवेदन करते हैं तो उनमें से जो बेस्ट व्यक्ति होगा उसका हम सिलेक्शन करेंगे। इनको तनख्वाह क्या मिलेगी? पंचायत स्तर पर यदि आप हैं तो आपको आपके घर में रहना है, आपके पास में अगर मोटरसाइकिल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आगे चल के आपके पास में आ जाएंगे, साइकिल तो कम से कम होंगी। और लेकिन इसके साथ आपके पास में एक स्मार्टफोन जरूर होना चाहिए। स्मार्टफोन इसलिए क्योंकि उसमें कैमरा होता है, आपको आपके स्मार्टफोन पे शूटिंग करना है, रिकॉर्डिंग करना है, वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, और वो वीडियो इक्वालिटी न्यूज चैनल के हेडक्वार्टर पे भेजना है, स्टूडियो भेजना है, ताकि फिर उसका रिपोर्टिंग हो जाए। तो ये व्यवस्था यदि आपके पास में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इस पद पर नियुक्त होने वाले लोगों को अच्छी सैलरी भी दी जाएगी। आइए आपको बताते हैं किस पद के लिए कितनी सैलरी मिलेगी। आपको तनख्वाह मिलेगी 15,000, यानी कि 10,000 बेसिक और 5,000 आपके टीएडीए के लिए, प्लस इंसेंटिव जो उनको काम करना, मैं अभी बता रहा हूं कैसे होगा। ये ब्लॉक स्तर पर जो व्यक्ति होगा वो ग्रेजुएट होना चाहिए कम से कम, उनको भी पत्रकारिता या फिर सामाजिक कार्य का अनुभव होना चाहिए, सम्मानित व्यक्ति होना चाहिए, क्रिमिनल एक्टिविटीज में उसका मतलब पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए, और बाबा साहब के विचार पर चलने वाला होना चाहिए, बहुजन समाज का होना चाहिए, ये उनके लिए। वैसे ही जिला स्तर पर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर एंड कोऑर्डिनेटर, डीआरसी, हम उसको डीआरसी कहेंगे, ये पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, और वो तीन बातें जो मैंने बताई वो भी होना चाहिए। ब्लॉक लेवल का या पंचायत समिति जनपद पंचायत स्तर का जो होगा वो ग्रेजुएट होना चाहिए, और वो तीन बातें जो अभी बताई ये क्वालिफिकेशंस है। और बीआरसी को, ब्लॉक लेवल वाले को, हम 50,000 प्लस इंसेंटिव देंगे, 30,000 बेसिक, 20,000 उनके टीएडीए के लिए, और जिला स्तर पर जो व्यक्ति होगा उनको 50,000 बेसिक प्लस 25,000 टीएडीए के लिए प्लस इंसेंटिव। इस तरह की ये मतलब फीस कहिए या सैलरी कहिए या जो भी आप नाम देंगे, लेकिन इतनी रकम उनको जरूर मिलेगी। लेकिन इससे बढ़कर जो चीज उनको मिलने वाली है वो है उनका ओहदा। और ओहदा कैसे आता है? न्यूज चैनल की आईडी से। न्यूज चैनल की आईडी हम देंगे किनको? एनआरसी, यानी कि न्यूज रिपोर्टर एंड कोऑर्डिनेटर, जो स्थानीय स्तर पर रहेगा। देन बीआरसी, ब्लॉक रिपोर्टर एंड कोऑर्डिनेटर, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीआरसी, यानी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर एंड कोऑर्डिनेटर। इन तीनों अधिकारियों को हम न्यूज चैनल की आईडी देंगे, उनको न्यूज चैनल का बूम माइक देंगे। जिसके हाथ में चैनल का बूम माइक आएगा उसका ओहदा देखिए आप, उसको पावर आएगा, उसको एम्पावर करेंगे हम। वो जब भी समाज में जाएगा, किसी सरकारी अधिकारी के पास जाएगा या कहीं भी जाएगा, तो जब उसके पास में ये बूम माइक और न्यूज चैनल की आईडी होगी तो उसका जो पावर है अपने आप बढ़ जाता है, और इससे ही लोगों को
हम राहत दिला सकते हैं, क्योंकि ये मीडिया का पावर है। ये मीडिया का पावर, सबसे बड़ा पावर इन तीनों अधिकारियों को कंपनी के द्वारा दिया जाएगा, ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर। एक फॉर्म आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा, उस फॉर्म में जो जो जानकारी है वो भर करके कोई भी अप्लाई कर सकता है। जो व्यक्ति अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई करें और अपना जो आवेदन है, इसमें जो फॉर्मेट दिया गया है वो आवेदन व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, आपका एप्लीकेशन आ जाएगा, हम उसकी छानबीन करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे और फिर जो है एक शॉर्ट लिस्ट होगी और उस पंचायत में, उस ब्लॉक स्तर पर, उस ज़िले में इसकी इसकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो अपनाएंगे। और इस तरह से नियुक्तियाँ होंगी, पहले नियुक्तियाँ ट्रायल पे होंगी, एक महीने का ट्रायल होगा, वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसा काम करते हैं, वो लायक है नहीं है, इसका ट्रायल होगा। और ट्रायल के बाद जो है उनको एक रेगुलर जो उनकी नियुक्ति और कंपनी की व्यवस्था में उनकी हो जाएगी। तो न्यूज़ रिपोर्टिंग का काम भी करेंगे, कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। ये जो तीनों अधिकारी है, यानी कि NRC, BRC और DRC, इन तीनों को OTT प्लेटफॉर्म इक्वालिटी सिनेमा के लिए सब्सक्रिप्शन प्राप्त करने के लिए काम करना पड़ेगा। यानी पहले से जो मैंने बताया है उसमें लोगों की सेवा, आपका न्यूज रिपोर्टिंग, और इसके साथ साथ अभी जो मैं कह रहा हूं इनका ये तीसरा काम है वो है सब्सक्राइबर्स को कंपनी के साथ में जोड़ना। मतलब जिस एरिया में वो रहते हैं, उस एरिया में, जिस क्षेत्र में उनकी पदस्थापना है, वहां पर उनको हमारे लोग, बहुजन समाज के लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग या संविधान में विश्वास रखने वाले लोग, इन लोगों को सब्सक्राइबर्स के रूप में कंपनी के साथ में जोड़ना है और कंपनी का जो OTT प्लेटफॉर्म है इक्वालिटी सिनेमा, उसके लिए काम करना है। इसी साल आने वाले 14 अक्टूबर को रमेश थिटे फिल्म्स अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है। निश्चित तौर पर यह खबर बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ी है, इसलिए इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और जिन्हें नौकरी की तलाश है उन्हें भी इसकी जानकारी जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।